संभल जनपद के सदर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नगर के चौधरी सराय के मोहल्ला नाला से दो महिलाओं को स्मैक और नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि संभल पुलिस रविवार को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर ने पुलिस को दो संदिग्ध महिलाओं के चौधरी सराय के मोहल्ला नाला में खड़े होने की सूचना दी। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस को देखकर दोनों महिलाएं वहां से भागने लगी। महिला पुलिस ने घेराबंदी की और इन दोनों को पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने तलाशी शुरू की तो तलाशी में आपको बता दें कि महनाज जो कि आदमपुर बस स्टैंड के पास की निवासी है उसके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। वहीं साथ ही 3020 रुपए भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही जनपद बदायूं के थाना बिलसी की रहने वाली रूबीना उसके पास से 8 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। साथ ही 1400 रुपए भी मिले हैं। कुल मिलाकर पुलिस को 18 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और साथ ही 4450 रुपए की नकदी भी मिली है। फिलहाल पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है।